दोस्तों, क्या आप जानते हो कि जो लोग अधिक पढ़ाई करते हैं यानी बुक्स पढ़ते हैं, उनका व्यवहार नॉर्मल लोगों की तुलना में अधिक शांत होता है। यहाँ मैंने बुक्स से पढ़ने के लिए इसलिए बोला क्योंकि एक रिसर्च में यह पता चला है कि ह्यूमन ब्रेन के लिए स्क्रीन से पढ़ने की तुलना में बुक से पढ़ना अधिक कन्वीनियंट होता है और बुक से पढ़ा हुआ याद रखने में भी आसानी होती है। और अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, जो लोग लिखना ज्यादा पसंद करते हैं वो लोग अधिक कल्पनाशील और क्रिएटिव होते हैं। ऐसे लोगों की अंडरस्टैंडिंग पावर भी अन्य लोगों के मुकाबले बहुत अधिक होती है। कई बार हमें पढ़ते समय नींद आने लगती है, तो अगली बार जब भी आपको पढ़ाई करते समय नींद आए तो आपको थोड़ी कॉफी पी लेनी चाहिए। ऐसा करने से नींद नहीं आती और आप बहुत देर तक पढ़ सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, बहुत ज्यादा ऐसा करने से आपको इसकी लत लग सकती है। अगर हम चिंगम को चबाते चबाते स्टडी करें तो हम किसी भी टॉपिक को आसानी से और जल्दी समझ सकते हैं। इस चिंगम से रिलेटेड एक और फैक्ट ये है कि किसी एक पर्टिकुलर फ्लेवर का चिंगम चबाते चबाते हमने किसी टॉपिक को लर्न किया, अब उस टॉपिक को रिकॉल करते समय यदि हम उसी फ्लेवर का चिंगम चबाते हैं तो हमारे ब्रेन को उसे रिकॉल करने में आसानी रहती है। कभी कभी हम सोने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन हमारे माइंड में कुछ न कुछ थॉट चलते रहते हैं जिसकी वजह से हम सो नहीं पाते। तो ऐसे में आप सोते सोते ही किसी बुक को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी जो व्यक्ति आराम की अवस्था में पढ़ाई करता है उसे 20 से 25 मिनट में ही नींद आ जाती है। यदि आपको भी पढ़ने के बाद जल्दी भूलने की प्रॉब्लम है, जो कि आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स को होती है, तो मैं आगे आपको साइकोलॉजी के कुछ टिप्स बताने वाला हूँ जो आपको किसी भी टॉपिक को अच्छे से लर्न करने में हेल्प करेंगे। किसी टॉपिक को अधिक डिटेल से और स्थायी रूप से सीखने के लिए उसे पढ़ते समय उसका माइंड में इमेजिनेशन करना लर्निंग को अधिक इफेक्टिव बनाता है। अपनी स्टडी को अधिक इफेक्टिव बनाने के लिए 90 मिनट की पढ़ाई के बाद 10 से 15 मिनट का गैप लेना चाहिए, जिसमें आप अपना कोई फेवरेट म्यूजिक सुन सकते हो या वॉक कर सकते हो। यदि आप चीज़ों को ज़्यादा समय तक माइंड में रिटेन नहीं कर पाते तो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी नोट्स बनाकर किसी चैप्टर को पढ़ने से हम ज़्यादा समय तक उन बातों को याद रख सकते हैं। और एक रिसर्च में ये पता चला है कि किसी भी टॉपिक को जल्दी और स्थायी रूप से याद रखने के लिए उसे समझकर पढ़ना अधिक लाभदायक साबित हो सकता है। एक और रिसर्च के मुताबिक 3 से 4 घंटे पढ़ाई को देने के बाद किसी भी पर्सन के व्यक्तित्व में एक स्थिरता आती है, और जो व्यक्ति डेली 3 से 4 घंटे शांति के साथ बैठकर पढ़ाई करता है उसे ध्यान यानी मेडिटेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। कोई भी व्यक्ति लगातार सेम फोकस के साथ 20 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ सकता। पढ़ते समय हर 20 मिनट के बाद कुछ समय का ब्रेक लेकर माइंड को रिफ्रेश करना अच्छी फोकस्ड स्टडी के लिए बहुत जरूरी है। यदि आपके पास टाइम कम हो और आप किसी भी टॉपिक को जल्दी कवर करना चाहते हो तो पहले उस टॉपिक का फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ को पढ़ लीजिए। इससे आपको उस टॉपिक के बारे में मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा, जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी रहेगा। उसके बाद आप शुरू से उस टॉपिक को पढ़ें। ये टेक्निक उस टॉपिक को जल्दी और अच्छे से समझने में आपकी बहुत हेल्प करेगी। साइकोलॉजी कहती है कि जब कोई व्यक्ति अपना समय पढ़ाई में अधिक देता है तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, और ज़्यादा पढ़ाई करने से व्यक्ति जल्दी मैच्योर और समझदार हो जाता है। यदि आप भी एक ही जगह पर और एक ही पोस्चर में बैठकर ज़्यादा वक्त तक पढ़ते हो तो न तो ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है और न ही इफेक्टिव स्टडी के लिए, क्योंकि जगह और पोस्चर को चेंज कर करके पढ़ना एक ही जगह पर लगातार बैठकर पढ़ने से बेहतर है। बिकॉज पोस्चर बदलने से आपके माइंड को रिलैक्स फील होता है, और कभी कभी पढ़ते समय ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, उससे भी बाहर निकलकर आपका माइंड एक्टिव हो जाता है। और अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी जब कोई स्टूडेंट क्लास में अच्छा परफॉर्म करता है तो टीचर्स की उस स्टूडेंट के प्रति सहानुभूति बढ़ जाती है और उसको अटेंशन भी ज़्यादा मिलता है।